नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमयूजेड न्यूज और मैं हूं श्रृंखला प्रियदर्शनी। चलिए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार के काडर आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास को जबरन किया गया रिटायर। दास का कहना है कि इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ नहीं की गई। आसरा होम का रद्द हो सकता है लाइसेंस। दो सभासदियों के मौत के मामले में अगर पाया गया कि इलाज की लापरवाही के कारण दो महिलाओं की जाने गई थी। जेल से छूटकर आए आरोपी तनवीर आलम की गोली मारकर हत्या। दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की गई। कलयुगी पिता ने 2 माह के बेटे को गला दबाकर की हत्या। मां ने मामला दर्ज कराया। जमीन में प्लांट कर रखे 4 सिलेंडर बम को बरामद किया गया। नक्सलियों की कोशिश को नाकाम एसएसपी और पुलिस ने किया। बिहार वैशाली जिले के जंदाहा में प्रखंड प्रमुख को दिन दहाड़े गोली मारकर की हत्या। उग्र लोगों ने जलाया थाना। पोलिट ब्यूरो मेंबर बच्चा प्रसाद उर्फ बलराज और उसकी पत्नी को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। हाजीपुर के महिला अल्पावास गृह में लड़कियों के साथ छेड़खानी के आरोप में डीपीएम मनमोहन प्रसाद हुए गिरफ्तार। दादरी इलाके के एक समुदाय पर फायरिंग करने के आरोप में 2 लड़के पकड़े गए। 1 महीने में फायरिंग की 5 घटनाएं हुई थी जिसमें 5 लोग घायल थे। हमले के बाद जेएनयू छात्र उमर खालिद ने कहा, सरकार के खिलाफ बोलने वाले को डराया धमकाया जा रहा है। देश में खौफ का माहौल है। 2.5 महीने में 7 राज्यों में बाढ़ का कहर। हुई 774 लोगों की मौत। लाल किला में प्रधानमंत्री मोदी कल करेंगे मोदी केयर का ऐलान। 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा देने के लिए प्रस्तावित मोदी केयर 15 अगस्त से 11 राज्यों के चुनिंदा जिले में लागू हो जाएगा। लोकेशन ट्रैकिंग ऑफ करने के बाद भी गूगल कर रहा आपका हर कदम पर पीछा। संवाद एजेंसी के शोध में पाया गया कि आपकी अनुमति के बगैर गूगल विभिन्न ऐप और वेबसाइट आपके लोकेशन डेटा रिकॉर्ड कर रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैच हारने की वजह बीसीसीआई पूछेगी विराट कोहली और शास्त्री से सवाल। चुनौतियों को मात देते हुए लगन और मेहनत से आईपीएस भोजराम पटेल की कहानी प्रेरणादायक है युवाओं के लिए। गरीब के बेटे की 2 बीघा जमीन से 7वें आसमान तक उड़ान। पिछले महीने लद्दाख में 400 मीटर अंदर घुस आए चीनी यात्री। पहले 5 टेंट लगाए, बाद में 3 हटाए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ओर से जारी फायरिंग का दिया करारा जवाब। पाकिस्तान के 2 सैनिक को किया ढेर। एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जो लोग बाल ठाकरे के मताधिकार पर जश्न मनाते हैं वे ही एनआरसी के मुद्दे पर मातम मना रहे हैं। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट केस में खुलासा। करीबियों की गवाही से फंसे केजरीवाल। पुणे में गणेश खंड के कॉस्मस बैंक मुख्यालय का डेटा हैक कर 94 करोड़ लूटे। पटना सचिवालय थाना क्षेत्र के विभाग के अंदर सेक्रेटरी राजीव कुमार के घर में घुसकर मारी गोली। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी ने एससी से कहा, कंपनी की कमाई में शेयर होल्डर को टैक्स देने के लिए कैसे जवाबदेह बनाया जा सकता है। आगे की खबरों के लिए बने रहिए एमयूजेड न्यूज के साथ। धन्यवाद।